तो केम छो पब्लिक आ गए मैं एक नए वीडियो के साथ। तो कुछ दिन पहले की बात है, मैंने ये पोस्ट शेयर की थी लिंक्डइन पर, और लिंक्डइन पर ये पोस्ट शेयर करने के बाद इसे राइट नाउ अगर आप व्यूज आकर देखोगे तो लाइक्स है 881 लाइक्स, विद दैट व्यूज है 41,500 के अराउंड। तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये होता है कि मैंने कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज़ किया या फिर कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है वाइल क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट, और कैसे हम ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं जिससे बहुत अच्छा रीच मिले लिंक्डइन पर। तो आज मैं आपको कंप्लीट ये पोस्ट को आपको एनालाइज करके बताऊंगा, और उसके बाद कुछ और पोस्ट भी एनालाइज करूंगा, मुझे कुछ पैटर्न पता चले वो पैटर्न मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और आज हम सीखेंगे किस तरीके से लिंक्डइन पर बहुत अच्छा कंटेंट बनाना है जिसके हमें बहुत अच्छा रीच मिले। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सारी चीज़ें समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग लिंक्डइन का वायरल, मतलब कैसे हम लिंक्डइन पर कंटेंट जो है वो बना सकते हैं। आ जाओ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। तो जैसे कि सर जी आप लोग देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर ये पोस्ट जो है ओपन कर दिया है, देखोगे तो 881 लाइक्स है, 41,000 प्लस व्यूज है, 32 कमेंट्स है, ये सारी चीज़ें कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो वो सारी चीज़ों को तुम्हें बताएंगे। तो जो पहली चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है वो है कि ओपनिंग लाइन जो है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा कैची यूज़ करनी है। जैसे आप राइट नाउ यहाँ पर मेरी ओपनिंग लाइन देख सकते हो, took a big risk taking decision on 12th of May and the output is so satisfying that I'll never regret it. अब राइट नाउ अगर आप लिंक्डइन के सादे अगर आप लिंक्डइन के फीड में जाओगे तो आपको दिखेगा कि जब भी आप कोई फोटो पोस्ट करते हो तो पहला लाइन जो है वो आपको दिखता है और बाकी आपको रीड मोर दिखाता है। ये भी देखो यहाँ पर लाइन दिख रहा है, पहले दो लाइन दिख रहा है, फिर यहाँ से आगे रीड मोर दिखा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब भी आप कोई फोटो या फिर ये सब चीज़ें पोस्ट कर रहे हो तो या फिर कोई भी कंटेंट बना रहे हो, सो मेक श्योर कि योर फर्स्ट लाइन शुड बी वेरी कैची। और यहाँ पर मेरी लाइन अगर आप देखोगे तो कैची इस तरीके से बन गई है कि मैंने यहाँ पर पहले तो डेट डाला है कि मैंने कोई रिस्क लिया 12th of May को, और सस्पेंस बनाया लास्ट में कि उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से निकला है कि मैं कभी रिग्रेट फील नहीं करूँगा, मैं खुद को प्रेस करूँगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोगों को अगर जानना है कि क्या वो रिस्क था, क्यों तू ये लाइन जो है वो बोल रहा है, उसके लिए तुम्हें आगे का मेरा कंटेंट रीड करना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि जब भी आप कंटेंट बनाओ, सो नंबर वन पॉइंट की ओपनिंग लाइन ऐसी बनाना जो बहुत ज़्यादा कैची हो। और ये सेम पैटर्न मैंने बाकी मेरी पोस्ट में भी यूज़ करके देखा, विच इज़ देखो यहाँ पर 3000 व्यूज़ है, रिसेंटली पोस्ट अपलोड की थी, फाइनली क्रैक द अपॉर्चुनिटी इन वेब3। क्या वेब3 में क्या अपॉर्चुनिटी क्रैक की है वो तुम आगे रीड मोर पे क्लिक करके रीड कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर मैं दिव्यांशु दवानी सर, हम लोग एक नेटवर्किंग इवेंट में मिले तो मैंने शेयर किया, अटेंडेड अनदर वेब3 इवेंट यस्टरडे विद अली सोलंकी आकाश मजूमदार इन मुंबई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था वो इवेंट में क्या था या फिर वो इवेंट किस चीज़ का था, किस तरीके से था, वो जानना चाहते हो आगे रीड कर लो। ये चीज़ को मेजर कंटेंट का एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मेक श्योर कि आप जब भी कंटेंट बनाओगे लिंक्डइन पर सो कैची, आपको जो फर्स्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा कैची होना चाहिए। नंबर टू पॉइंट पे चलते हैं। ये जो पोस्ट मैंने शेयर किया है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। विद दैट मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें पोस्ट की वो पर्सनल लाइफ को लेके की है और मैंने पर्सनल पिक्चर्स जो है उसे शेयर किए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कंटेंट बनाओगे या फिर हमेशा तो नहीं बट आप जब भी कंटेंट बनाओगे सो मेक श्योर कि आप खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस हो या फिर आपके लाइफ के कुछ आपके लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ आपके पिक्चर्स हो गए हैं पर्सनल, ऐसे अगर आप शेयर करते हो तो लिंक्डइन पर आपको बहुत अच्छा रीच मिलता है। और ये वीडियो अगर आप ये पोस्ट को भी देखोगे तो मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है कि मेरा कॉलेज ने जो है वो अनाउंस कर दिया था 19 मई को, और ये सारी चीज़ें मैंने रिस्क लिया मेरे लाइफ में, मेरे लाइफ और मेरे लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो मैंने यहाँ पर शेयर किया है। विद दैट मैं कैसे लोगों से मिला क्या था वो इवेंट में, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर किया है। विद दैट उन्हें एक प्रूफ ऑफ वर्क दिया है कि मैंने क्या कैसे वो इमेजिन करेंगे जो मैं उन्हें इमेजिन करवाना चाहता हूँ, तो मैंने कुछ पिक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं यहाँ पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नंबर टू पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सेम चीज़ फॉलो होती है यहाँ पर भी, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किया है, तो अगेन 3000 व्यूज़ मुझे मिला है, और ये जस्ट मैंने कल ही शेयर किया है और मुझे यहाँ पर 1000 व्यूज़ के आसपास ये भी पोस्ट को भी मिल चुका है, सॉरी, तो यहाँ पर मेरे को 1000 व्यूज़ के आसपास मिल चुका है, अगेन मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। तो या आपको ये सेकंड पॉइंट जो है वो ध्यान रखना है। चलते हैं नंबर थ्री पॉइंट के ऊपर। आई मेंशन वेरी बिग नेम्स इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अब देखो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ईशान को, आयुष शुक्ला को, आयुष वाधवा को, अली को, निखिल को, मिर्जाद मखदूम को, तो आप देख सकते हो कि ये सारे लोग ओजीज हैं। और ये सारे लोग ओजीज, अगर आप ईशान शर्मा को तो जानते होगे, आयुष शुक्ला को जानते होगे, ये आयुष वाधवा को जानते होंगे, अली को भी जानते होंगे, तो बेसिकली ये लोगों के अगर आप लिंक्डइन पर जाकर फॉलोअर्स देखोगे तो वो लोग फोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों को मैंने मेरे पोस्ट में मेंशन किया है, इसीलिए इसका जो व्यूज या फिर कह सकते इसका जो रीच है वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर बढ़ा है। और अगला पॉइंट जो मैं यही वीडियो में कवर करना चाहूँगा वो ये है, विच इज़ आर फोर्थ पॉइंट, कि ये लोगों ने मेरे पोस्ट पर कमेंट किया है,
जब ये लोगों ने मेरे पोस्ट पर कमेंट किया, जो कि आप देख सकते हो, ईशान ने कमेंट किया है, आयुष ने कमेंट किया है, आयुष वाधवा ने कमेंट किया, आप जाकर देख सकते हो ये, तो जब आप देखोगे कि जब इन्होंने कमेंट किया तो जितने भी जो इनके फॉलोवर लोग हैं, जब इन्होंने लाइक किया तो इनके जो फॉलोवर्स लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे इनकी फॉलोइंग है, इन सबको मेरा जो पोस्ट है ये रिकमेंड हो गया। इसी वजह से मेरा जो रीच है वो बहुत बड़े लेवल पर शॉर्ट अप हो गया। ये चीज़ हमें भी ध्यान रखनी है कि अगर आप जब भी कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, सो एस जब भी आप ऐसे लोगों को लाइक आपके पोस्ट में मेंशन करते हो या आप इन लोगों के लिए कुछ पोस्ट लिखते हो, सो आपका जो रीच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कंटेंट क्रिएट करते हो, जब आपको अगर कोई वायरल, आप हर पोस्ट में तो नहीं बना सकते हो, बट मेक श्योर कि आप मोस्ट ऑफ दी पोस्ट, अगर आप शुरुआत में अच्छा रीच गेन करना चाहते हो तो आप ऐसी कुछ ट्रिक्स जो है उसे यूज़ करो। चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, विच इज़ कि मैंने स्टोरी टेलिंग की पावर जो है उसे यूज़ किया है। तो अगर आप देखोगे ये कंप्लीट पोस्ट में, तो मैंने कुछ एक स्टोरी टाइप जो है उसे ये पोस्ट को बनाया कि मेरे कॉलेज ने अनाउंस किया फाइनल सेमेस्टर एग्जाम की 19 एग्जाम होंगे, 12 को मेरे को पता चला कि वेब3 का इवेंट हो रहा है, और मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा दिस इज़ माई प्रायोरिटी, मैं गया और वहाँ जाकर मैंने बैंगलोर में मेरा इवेंट जो है उसे अटेंड किया। इसी तरीके से मैंने एक फॉर्मेट बनाया, एक स्टोरी जो है उसे बनाई और लोगों के सामने रख दी। एकदम बड़ी भी नहीं बनाई है, शॉर्ट बनाई है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और वैल्यू देने वाली बनाई है, जिससे लोगों को वैल्यू मिलेगी। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैंने की है, एक स्टोरी फॉर्मेट बनाया है, बहुत अच्छा व्यूज़ मिला है, ये तो वन डे हुआ है, इसका भी व्यूज़ डेली बेसिस पर बढ़ रहा है, देख सकते हो। तो या दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना है ये पर्टिकुलर पोस्ट को अच्छा रीच मिलने के लिए, और मेरे फॉलोवर्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर शॉर्ट अप हुए हैं। राइट नाउ आई एम ऑन 1000 फॉलोवर्स, और कुछ एक मंथ या फिर मैं कह सकती हूँ 20-25 डेज के पहले तक तो मेरे अराउंड 300-400 फॉलोवर्स के आसपास थे। मैंने ये गेन किया है, कंटेंट को समझा है, और अब मैं कंटेंट अपलोड करते जा रहा हूँ, और आगे भी आपके साथ मेरी जर्नी जो है वो शेयर करते जाऊँगा, मेरे लर्निंग शेयर करते जाऊँगा। तो आई होप दिस वीडियो हैड सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ, सो मेक श्योर डू हिट अ लाइक बटन, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और जब भी आप लिंक्डइन पर आप कॉन्टेंट बनाओगे, अगर आपका मेरे ये कुछ टिप्स को यूज़ करके अगर आपको आपका वीडियो, आपका जो लिंक्डइन का पोस्ट है वो अच्छा रीच मिलता है, सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो को भी शेयर करो लिंक्डइन के ऊपर कि आपने मेरा ये जो वीडियो है उससे ये चीज़ें सीखी है। विद दैट I hope this video had some sort of value in life. So subscribe कर लो, LinkedIn पर follow कर लो, हमें Instagram पर follow कर लो, आकर connect कर सकते हो भाई के साथ, कोई भी question है comment section में लिख दो। उसके साथ साथ मिलते अगले video में, बहुत ज़्यादा valuable LinkedIn की content लेकर आएंगे तुम्हारे लिए और भी। तो मिलते अगले video में, तब तक bye bye, sayonara, सब्बा खैर, मिलते हैं।